सबसे पहले अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि फुकरा इंसान की तरफ से। बेसिकली फुकरा इंसान और अविनाश की लड़ाई हो गई थी। लड़ाई का रीजन निकली इस बारी मनीषा बेसिकली टास्क खत्म होने के बाद भी सीलने लग रही थी। उन्होंने टॉय बनाए थे, ए और बी टीम में बांट रखा था, लेकिन फाइनली बी टीम जीती, जिसके अंदर बेसिकली लड़ाई उनकी वर्बली हुई थी, चिल्ला चिल्ला के जो होती है। बाकी वहां पे फिजिकली कोई फाइट होती भी नहीं, उन्हें निकाल देते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को पता ही है। तो वर्बली फाइट हुई थी जिसके अंदर फिर बात शॉर्ट भी हो गई थी और बाद में सब चीज़ नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन हाँ, जैसे बी टीम जीती तो फुकरा इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें टास्क के बाद जब वो जीते तो प्रीमियम आइटम देखने को मिले, लीची और मैंगो, जो कि उनके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट आइटम्स है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और उन्होंने पुनी सुपरस्टार के लिए भी जब वो जिया को शांत करा रहे थे, जब जिया रो रही थी, उन्होंने ये चीज बोली कि देख आज रो ले लेकिन कल मत रोइयो। जब पुनीत गया था तब मेरे को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था, भले मैं उसे 2 पैसे का नहीं पूछता या 2 रुपए का नहीं पूछता, लेकिन हाँ एक ऐसा बंदा था जिसके साथ मेरे को लगा था कि ये बंदा ना काफी ज्यादा सही है, लेकिन वो उसी दिन चला गया, जिसके चलते मेरे को थोड़ा सा दुख भी हुआ था, लेकिन मैं अपने गेम में फिर वापस आ गया। तो उन्होंने वो चीज़ समझाते हुए बोली थी, और यही चीज़ हम लोगों को पुनी सुपरस्टार की तरफ से भी सुनने को मिली थी कि उन्हें इस चीज़ का पता था कि फुकरा इंसान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा उनके जाते हुए। वहीं पर अगली अपडेट पुनी सुपरस्टार की तरफ से ही है। बेसिकली पुनी सुपरस्टार भी हम लोगों को बिग बॉस हाउस में दोबारा देखने को मिल सकते हैं, और वो भी वेडनेसडे के दिन। रीजन इस चीज़ का मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो हम लोगों को देखने को मिल रही है जो कि मुंबई की लग रही है। साथ ही हम लोगों को पुनी सुपरस्टार वापस से कई सारी जगह ऐसी ट्रैवल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कई सारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि वो हम लोगों वेडनेसडे को देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते मैं आप लोगों को ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ। चिल्लाना मत मेरे पे अगर देखने को ना मिले, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पुनी सुपरस्टार के फैन हो, हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे यार। वहीं पर अगली अपडेट है बिग बॉस हाउस से। आप सोचो कितनी अपडेट है, आखिरी अपडेट है भाई ये, इसके बाद नॉर्मल यूट्यूब पे आते हैं। 2 एलिमिनेशन देखने को मिले हैं हम लोगों को इस बारी जो वीक के होंगे, उसके अंदर जो एलिमिनेट हुई हैं, पहले तो मतलब एलिमिनेशन की तरफ गई हैं, एक तो आलिया गई है, दूसरी जिया गई है, यही 2 कंटेस्टेंट गए हैं। इसके अलावा कोई और कंटेस्टेंट अभी हम लोगों को हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिला है। अब हम YouTube पे आ जाते हैं। YouTube में देखो फ्लाइंग बीस ने, जो कि गौरव भैया हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई आप हम लोगों को मंदिर दिखा रहे हो, अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हो, क्रिकेट दिखा रहे हो, जिसके चलते उन्होंने ये चीज़ बताई। देखो मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ, जो मेरा लाइफस्टाइल है मैं वही चीज़ शोकेस करूँगा, मैं अलग से कोई चीज़ क्रिएट करके शोकेस नहीं कर सकता। आप आज के ब्लॉग से बोर हो गए तो सोचना कि ब्लॉगर क्या होता है ना, ब्लॉगर अपनी लाइफ जीते तो उन्हें जो इंटरेस्ट है कंटेंट मोस्टली उसके अराउंड ही बनाते हैं। जैसे जब मैं क्रिकेट खेलने आता तो बहुत लोग कहते हैं लड़कियाँ स्पेशली क्रिकेट के ब्लॉग बोरिंग होते हैं, तो बात यह कि मुझे पसंद है तो मैं अपनी लाइफ के अराउंड ही ब्लॉग करता, तो मैं उसको इतना अच्छे से करता, लड़कों को पसंद आता तो मुझे अच्छा लगता है ये। तो और वहीं पर सौरभ जोशी ने काफ़ी ज़्यादा गजबी चीज़ कर दी, उनके 3 व्लॉग लगातार ट्रेंडिंग के अंदर देखने को मिलते हैं हम लोगों को, मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा गजबी चीज़ है। अगली अपडेट जट प्रभजोत की तरफ से। बेसिकली जट प्रभजोत ने ये चीज़ बताई है, जो असम के अंदर बाढ़ आई है वो उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से भी 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी बंदा इन्वेस्ट करने चाहता है वो उसके अंदर डाल सकता है। वो सारा पैसा लेके वो असम जाएंगे खुद पर्सनली, और वहाँ पर जितने लोगों को जरूरत होगी उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो आप लोगों को उनकी वीडियो की छोटी सी झलक दिखा देता हूँ, जिसके चलते आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ आप लोग भी ना बिल्कुल खुले दिल से करो, ये मत सोचना कि आपका पैसा हमारे पास आएगा तो इधर उधर हो जाएगा। देखो कभी कभार क्या होता है ना, इंसान की सोच बताता हूँ, मेरी सोच भी सेम ऐसी है। हम किसी को पैसे देने जाते हैं ना तो मेरे को लगता है, जैसे कोई भी बोलता है भाई हमें जरूरत है या हम डोनेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है यार इसको पैसे देंगे कहीं खा तो नहीं जाएगा। सबसे पहला सवाल मन में ना यही आता है, मेरे भी यही आता है, आपके भी यही आ रहा होगा कि भाई हमने जो प्रभजोत ने अकाउंट नंबर दिया है उसमें पैसा डाले पता चले खा जाए। नहीं भाई, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जो भी उसके अंदर आज के बाद जो भी उसके अंदर पैसा आएगा ना इस वीडियो को लाइक जाने के बाद, वो हम आपको दिखाएंगे, साथ में पूरा स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, वीडियो बोलोगे वीडियो भी दिखा देंगे, और सारा का सारा पैसा 1-1 रुपया वहां पर जाके डोनेट करेंगे, इवन अपनी तरफ से भी जो भी होगा वो भी डोनेट करेंगे। क्या आप लोग इस चीज का पता है, मिस्टर बीस्ट को भी इस चीज का ऑफर मिला था कि वो सबमरीन में जा सकते हैं जो टाइटेनिक सबमरीन थी, लेकिन उन्होंने उस चीज के लिए मना कर दिया, वरना शायद हम लोगों को मिस्टर बीस्ट भी देखने को नहीं मिलते। वहीं पे अगली अपडेट है यूट्यूबर देवराज की तरफ से। बेसिकली ये हम लोगों के साथ अब नहीं रहे दुनिया के अंदर, इनका एक्सीडेंट हो गया। इनके आप लोगों ने पॉपुलर डायलॉग ये सुना होगा कि भाई दिल से बुरा लगता है, तो ये अब हम लोगों के साथ नहीं रहे, तो आप लोग इनके लिए दुआ कर सकते हो, इनकी आत्मा को शांति मिले। और वहीं पे गेमर फ्लीट का भी एक एक्सीडेंट हो गया था, आप लोग उसके फुटेजेस देख लो, और साथ ही उन्होंने क्या चीज़ क्लियर करी है, किस रीजन के चलते हुआ था, वो चीज़ भी बताई है। तो गाइस जितने लोग भी कंसर्न हो रहे हैं पिछली वाली स्टोरी जो मैंने डिलीट कर दी है उसको देख के, तो भाई हमें कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को ज्यादा लगी भी नहीं है। जो सामने से आ रहा था बंदा, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। मैं अपनी साइड सही चल रहा हूँ, 10 की स्पीड पे चले थे, आजकल बहुत ट्रैफिक होता है इधर पहाड़ों में, ठीक है, तो हम लोग आराम से चल रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं। तभी क्या हुआ ना, एक बंदा रॉन्ग साइड आए जा रहा है 30 की स्पीड में आए जा रहा है। मैं हॉर्न बजाया जा रहा हूँ कि रोकेगा, मैंने रोक के थोड़ी साइड भी दबा दी, ठीक है, गाड़ी जितनी दब सकती थी गाड़ी,
वो तब भी आगे पूरा ठोक गया से तेरी गाड़ी, समझ रहे हो? उसकी गाड़ी को बहुत आया, हमारी गाड़ी को भी माइनर डैमेजेस आए, कल को जाके सही कराऊंगा। बट भाई वो बंदा सो गया था गाड़ी में, ये था मेन चीज, वो सो गया बंदा चलाते चलाते, वो बहुत दूर से आ रहा था तो बंदा सो गया गाड़ी में चलाते चलाते, तुम समझ रहे हो? फिर पुलिस आई, फिर बहुत सारी बातें हुई और भी, वो सारी चीजें तो छोड़ो, लेकिन सब सही है भाई। मेरे पीछे एक बाइक वाला चला रहा, थैंक गॉड वो आगे नहीं था, वरना उसको तो क्या ही होता। वो भी ठीक है, ये लोग भी खाई में नहीं गिरे, एवरीथिंग इज फाइन, हम भी